किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावागी किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदल दी वेखी मैं जग नमस्कार दोस्तों, मैं टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। बिल्कुल सर। और हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट, तो आज देख रहे हैं यहाँ पे पीछे, ये इनका कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये इनका आज फेयरवेल डे है। और देखा जाएगा ओवरऑल जो ये फर्स्ट दिन से लास्ट तक अभी क्या इन्होंने क्या कुछ सीखा नहीं सीखा, जो ये सोच के आए थे क्या इनको सारी कुछ मिले कि नहीं मिले। चलिए हम एक एक करके पूछेंगे कैसा रहा इनका सफर। अपना नाम और आप? सर अरविंद यादव, यूपी से। अपना नाम कहाँ से? मिर्जा साहब, वेस्ट बंगाल से। आप बताइए। संजो सिवनी से। शिवम मिश्रा एमपी से। आप? धर्मेंद्र राठौर मोरना एमपी। आप? इब्राहिम अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो देख सकते हैं देश के हर कोने से स्टूडेंट आते हैं। तो चलिए इनसे आज ओवरऑल पूछेंगे कि इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का सफर कैसा रहा। तो कैसा रहा देव सर के साथ हार्डवेयर सफर? देव सर के साथ हार्डवेयर का सर एक नंबर का जबरदस्त क्लासिंग, पैड टू पैड जो जानकारी दें, जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिली सर, सोच जितना सोच के आए थे उससे डबल मिला है हम लोग को यहाँ पे। जी जी। तो बताइए यहाँ पे जैसे डेड सेक्शन हो, ट्रेसिंग का हो, कैसा रहा? सब जबरदस्त है सर, सबका ट्रेसिंग पैड जो जानकारी दें, एक्सपीरियंस मतलब कोई ट्रेसिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उन्हें पूरा फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप बताइए देव सर हाजिर सेक्शन कैसा? बढ़िया रहा, जो सोच के नहीं आए थे उससे बहुत ज़्यादा हज़ार गुना ज़्यादा मिला। ज़्यादा मिला है? ज़्यादा मिला। आपका देव सर हाजिर सेक्शन बहुत अच्छा रहा सर, जो सोच के नहीं आए थे उससे हाई लेवल का मिला। ट्रेसिंग का नॉलेज हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो? जी बिल्कुल अच्छा मिला। जी सर। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर भी सर एक नंबर का, जो सॉफ्टवेयर का हमें एक्सपीरियंस मिला है कि मतलब ज़्यादा टूल को जो होता है मार्केट में कि हमें हर टूल रखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास टूल है वो एक या दो तीन जो टूल ले लेंगे, समझिए हमारा सब कुछ काम ओके हो सकता है। नहीं कि फालतू का डाटा? नहीं सर, फालतू का कुछ डाटा नहीं लेना है, ना कुछ ज्यादा टूल लेना है हम लोग को, जो यूजुअल है वो हमें पता है क्या क्या लेना है। चलिए ठीक, आप बताइए सॉफ्टवेयर सफर कैसा रहा? तो सॉफ्टवेयर का सफर बढ़िया रहा, पहले सोचता था सॉफ्टवेयर बढ़िया चीज है, लेकिन दुर्गेश सर ने जब सॉफ्टवेयर क्लास दिया, जब लिया, लेने के बाद सॉफ्टवेयर छोटा सा मालूम पड़ रहा है। प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर। आप बताइए सॉफ्टवेयर का सफर कैसा? बहुत अच्छा रहा सर, सॉफ्टवेयर में हर एक चीज आपको, सॉफ्टवेयर एरर हो, फाइल का नॉलेज हो, हर एक चीज। जी सर बिल्कुल बताया। चलिए अब मैं पूछना चाहूंगा ओवरऑल की लास्ट में मिलन सर की क्लास हुई जिसमें ब्लैक पेस्टेड, एमएमसी प्रोग्रामिंग, आईसी चेंज प्रोसेस, डुअल टेकर, कैसा रहा? मिलन सर ने जो भी एक्सपीरियंस दिया हम लोग को, वाईफाई तो ऐसा बता दिया मिलन सर की, मतलब एकदम नॉर्मल जैसे फ्लैश करते हैं वैसे ही वाईफाई का भी एक्सपीरियंस हम लोग को हो चुका है। हो चुका है। यस सर। और ब्लैक पेस्टेड की बात, ब्लैक हैंड स्टील तो मान लिया, ब्लैक पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, अब तो करने में कोई हिचक नहीं है हम लोग की, डेड फोन हो या अनफोन हो कोई असम में। यस सर। चलिए ठीक, आप बताइए कैसा रहा? बढ़िया रहा, जितना भी क्लास दिया सर ने बहुत अच्छे से लिया। बंगाली में भी बोल सकते हैं वैसे? हाँ सर, जेटा दिए छे खूब भालो दिए छे, এতটাও ভাবি নি যে এরকম করতে পারবো এই কাজগুলো। এই কাজের জন্য আমাকে এক সপ্তাহ 10 দিন 15 দিন ওয়েট করতে হতো, কিন্তু মিলন স্যার ক্লাস দেওয়ার পর এখন মনে হচ্ছে যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা কাজগুলো আমি করতে পারবো। মিলন স্যার। ওকে চলিয়ে আপনি বলুন আপনার সফর কেমন? বহুত আচ্ছা রে স্যার, পহলে তো আমি এমএমসি জানতে ভি নি থে কিয়া হোতা হ্যায়, আব তো মিলন স্যার নে এসা সিখায়া হ্যায় তো পুরা কাম কর লেঙ্গে এমএমসি মে। ব্ল্যাক পেস্টেড ডুয়াল টেকার কা কেসা রহা? বহুত আচ্ছা রহা স্যার। আপনি খুদ ডুয়াল টেকার কিয়া হ্যায়? ইয়েস স্যার। চলিয়ে তো আবার কুছ হামারে সাথ অর স্টুডেন্ট আর মিলন স্যার পুছেঙ্গে इनका थ्रू आउट कैसा रहा? नमस्कार, तो मैं हूँ मिलन, साथ में देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट है, आज रिव्यू की क्लास है। जैसे हमारे साथ एक इब्राहिम जी स्टूडेंट है, क्या नाम, आप कहाँ से हैं तो बता दिए, बताइए कि आप बताइए कि देव वन से लेकर जो अभी तक सफ़र है, सबसे पहले देव सर के साथ सफ़र शुरू हुआ कैसा रहा आपका सफर? बहुत एक्सलेंट, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, और देव सर ने जो भी नॉलेज दिया वो एकदम हटके नॉलेज था जी, बराबर पैड लेवल से लेके कहाँ कहाँ लाइन जाती है, कैसे कैसे फॉल्ट आते, कोई फॉल्ट आया तो उसको किस तरह फाइन करना, और अगर मतलब जैसे शॉट फुल शॉट हो गया, नैनो शॉट हो गया, माइनर शॉट हो गया, सारा टोटली जो नॉलेज चाहिए था वो पूरे का पूरा नॉलेज हमको दिया गया। आपका सफ़र कैसा रहा देव सर के साथ?
सर देवगर सर के साथ वो क्लास रही जो सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा। देव सर को बोला जाए तो मोबाइल की एक तरह से बोलते ना कि वैज्ञानिक है वो यही मान लो सर, एक एक चीज़ की नॉलेज दी है उन्हें और उन्हें भंडार है सर कोई अपार है सर, उनका कोई तोड़ नहीं है। आपका साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिला। चले उसके बाद दुर्गे सर से आपने मिले, दुर्गे सर ने आपको हार्डवेयर भी पढ़ाया है और साथ में आपको सॉफ्टवेयर की पूरी पूरी डिटेल्स दिए हैं। दुर्गे सर के साथ सॉफ्टवेयर कैसा रहा? बहुत मस्त रहा उनके साथ। उन्होंने पहले तो हम सॉफ्टवेयर नहीं करते थे लेकिन ऐसा एक्सप्लेन किया उन्होंने, मतलब इस अंदाज से समझाया कि अब ऐसा नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर मतलब के नहीं हो पाएगा, एक हलवे जैसा हो गया। आपका कैसा रहा सफर सॉफ्टवेयर का? सर बहुत आसान कर दिया दुर्गे सर ने, सीधी सीधी सी बात और कुछ नहीं है। दो हम सोचते थे कि सॉफ्टवेयर में पता नहीं कितने टूल्स लेने होंगे, कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये वो बहुत सारी झंझटें थी। दुर्गे सर ने केवल 3 वर्ड में पूरा सॉफ्टवेयर खत्म कर दिया, इतनी बेस्ट तरीके से उनने अच्छी नॉलेज दी। आपका रहा कैसा? बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। अच्छा उसके बाद मैं बात करूं तो आप हमसे मिले और MMC की शुरुआत की और हमने साथ में ब्लैक पेस्टर की शुरुआत की, कैसा रहा MMC की क्लास और ब्लैक पेस्टर? पहले तो EMMC के नाम से डर लगता था लेकिन जब मिलन सर के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने EMMC, EMCP, UFS का जो नॉलेज दिया, अब तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि एकदम नॉर्मल है, आराम से हम बिना और दूसरा के। पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आते थे ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा, अब तो वो पूरे डाउट क्लियर हो गए पूरा डाउट क्लियर कर। इसका क्या सीन है आपका, कैसा रहा हैंड स्किल? हैंड स्किल भी बहुत बढ़िया, ट्रिक जो है ना उनकी ट्रिक वो बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त। आपका रहा कैसा सफर MMC और ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर? मिलन सर के लिए तो सर मैं वर्ड ही नहीं है मेरे लिए कुछ कहने को, इतने अच्छे से उनने MMC UFS को समझाने के लिए सब भागों में तोड़ के समझाया ताकि एक ही बार में माइंड में चला जाए, हर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया, उसको सारी चीज़ की नॉलेज दी कि कौन सा एरर कब आता है, कब तुम्हें कौन सी चीज़ पे काम करना है, कब तुम्हें कैसे कैसे सारी चीज़ प्रोग्रामिंग करनी है, सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा सर। आपका कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा सर, कोई भी फोन आएगा MMC के लिए कह सकेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच आप सबसे और आप अपने इस एरिया में जाइए, अपना नाम करिए। ऐसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं एक शॉट में आज IC को रिवोल्व कर दिया जी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम को जी, जे मुझे ये मौका दिया जी। वही मैं अभी क्या बताऊँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या बताऊँ मैं कितना खुश हूँ आज जी। किस किस के दिमाग में आ गया? आ गया सर, दिमाग में आया सर। तो क्या बोलेंगे आज इस क्लास के लिए? थैंक यू टू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेखिया। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदलते वेखे। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेखिया। किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावागी। ऐसा जिसने 4G CPU निकाल के लगाया नहीं लगाया। अच्छा कितनी बार रिवोल करा है? 20 बार करा ईमानदारी से, मतलब कोई गुंजाइश रखी है क्या? मतलब टेक्निक में कोई गुंजाइश है क्या? अब ये बताइए कि जीवन में कभी भी अभी की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल CPU आपके पास आता है तो कौन कौन निकाल के लगा सकता है? कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट कॉन्फिडेंस? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू।
आठ घंटे की क्लास चलती है? बारह घंटे होता है क्लास। तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू रिवॉल्विंग। सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस किस लिए करा ये? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? तो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर। तीसरे दिन पावर किस किस लिए करा था? सबने किया था। और चौथे दिन आपका सीपीयू। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? सबका। आवाज नहीं आई? तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदारी आज मेरा तीसरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम जवान होते हुए। आज मैंने 6E 6A 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया। एक एमओएलईडी का सर्किट डीआर 16 लाख का। यस सर। आप बताओ किस किस को समझ में आया? यस सर। प्रैक्टिकली? यस सर। क्या बात है। तो क्वार्टर क्वार्टर और शो को और एक्सक्यू एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया। लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि रहना बसता है कि नहीं ऐसा। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया। कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? yes, sir. कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रेचेस आई? नहीं सर। एकदम डॉक्टर जैसा कट रही है पेस्टेड? नहीं सर। तरीका है वो कैसा है? कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट। अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके ऐसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, गिटार लगा हुआ है, टीजर डायोड। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?